थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस ने आटे में मूत्र मिलाने वाली महिला को गिरफ्तार किया। दिनांक 14/10/2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर आवेदिका द्वारा एक लिखित सूचना दी गई, जिसमें आरोपित किया गया कि उनके फ्लैट में मेड का काम करने वाली रीना नाम की महिला पर उन्हें कई दिनों से शक हो रहा था, जिसके चलते आवेदिका द्वारा अपनी रसोई में मोबाइल फोन रखकर उसकी रिकॉर्डिंग की गई तो पाया कि मेड द्वारा आटे में स्वयं का मूत्र मिलाकर उस आटे की रोटियां बनाई गईं। उक्त लिखित सूचना पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। दिनांक 15/10/2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाली अभियुक्त रीना पत्नी प्रमोद निवासी शांति नगर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष को GH7 सोसाइटी से गिरफ्तार किया। उसके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गई। गिरफ्तार अभियुक्ता रीना पत्नी प्रमोद निवासी शांति नगर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष है। अभियुक्ता द्वारा पूछताछ पर उपरोक्त घटना को स्वीकार करते हुए बताया गया कि मुझ पर मेरे मालिक काफी नजर रखते थे तथा छोटी छोटी गलतियों पर मुझे काफी खरी खोटी सुनाते थे। इस बात का मुझे काफी बुरा लगता था। मौका मिलते ही मेरे द्वारा उनके आटे में मूत्र मिलाकर कई बार मेरे द्वारा रोटियां बनाकर खिलाई गईं। अभियुक्ता महिला के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त घटना से संबंधित अभियोग पंजीकृत है। पुलिस द्वारा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। अतिक मलिक की रिपोर्ट। दिनांक 14/10/24 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर आवेदिका द्वारा एक लिखित सूचना दी गई, जिसमें उनके फ्लैट में काम कर रही रीना नामक महिला द्वारा आटे में पेशाब मिलाने का प्रकरण सामने आया। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का भी गठन किया गया और दिनांक 15/10/24 को उपरोक्त अभियुक्ता को GH7 सोसाइटी से थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक टीम ने गिरफ्तार कर लिया है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।